कपकोर थाना अंतर्गत ग्राम सूपी निवासी ग्रामीण पूर्व सैनिक जोत सिंह को चरस के केस में झूठा फंसाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कहा कि कपकोट पुलिस ने जोत सिंह को गलत तरीके से फंसाया है। उन्होंने दावा किया कि जिस बैग से चरस बरामद हुई है वह किसी अन्य ग्रामीण का था, लेकिन पुलिस ने पूर्व सैनिक जोत सिंह को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों और जोत सिंह के परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने तथा जोत सिंह को झूठे मुकदमे से बरी करने की मांग की है। इधर जिलाधिकारी रंजन राजगुरु और पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने ग्रामीणों को सही जांच का भरोसा दिलाया है। नहीं, वो मेरे पापा को बेफालतू में फंसा दिया चरस के मामले में, जो कि उनका है नहीं। अभी वो दुकान से पुलिस वाले उठा के ले गए अंदर से, उन्होंने ना पापा को तोलते हुए देखा ना बेचते हुए, तो बेफालतू में उन्हें उठा के ले गए। उनकी कोई गलती भी नहीं है, मतलब पुलिस वालों की सारी गलती है। और जो जिनका था वो तो बाहर घूम रहे हैं, जिन लोगों ने बेचा या खरीदा वो लोग बाहर हैं और पापा को अंदर। सूपी गांव सूपी है हमारा, और तलाई दुकान है हमारी। और क्या कहते हैं, उस दिन उस रात पापा अंदर थे, तो फिर जिनका वो था चरस था वो मेरे पापा के पास आए, ऐसी मतलब ये वो बातें हुई। तो फिर जिनका था वो माल, वो तो पापा मतलब पापा का तो इसमें कुछ हाथ नहीं है, जिनका माल था वो उन लोगों ने ऐसी भाग गए। पुलिस वाले आए तो पापा अंदर थे, अंदर से उन्हें उठा के ले गए। तो फिर उसके बाद पापा जिस जगह से पकड़ा उस जगह का नाम नहीं दिया उन लोगों ने, दूर ले जाकर जिस जगह मतलब गलत बोला कि इस जगह गया था ये बेचने गया था, यहाँ से फंसाया, यहाँ से बेचने गया था ये, रात को गया था यहाँ से, हमने उसे पकड़ा है। तो इस अंदर से उनके पास कुछ सबूत भी नहीं है कि इसी ने बेचा ये वो, तो फिर ऐसी उन्हें सीधे अंदर ले गए। जिनका माल था उनका नाम नहीं बताया पिताजी ने? नहीं नहीं बताया। उनको खाना बना रहे थे, उनको कुछ बोलने दिया नहीं ना, उनका मुंह भी तो बंद किया पुलिस वालों ने। बेफालतू में उन्होंने बोला कि ऑफिसर से बात कर लेना एक बार ना, एसपी मैडम से बात कर लेना जाकर, उन्होंने साइन कर दिया एप्लीकेशन, तो उनके पास जाएंगे हम लोग। हाँ, तो उनका नेचर इस तरीके का नहीं है कि वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते, वो सम्मानित व्यक्ति हैं इसलिए हम आए हैं। तो उनका जो है दुकान है 16 तारीख शाम को, जब वो चुनाव उनाव दे के आए, वो वोटिंग दे के आए, तो पता नहीं कौन अतर लेने आया वहाँ, चरस लेने, कौन बेचने आया, कौन खरीदने आया, तो उनको उनके दुकान से उसको उठाया गया जोत सिंह को। तो उसको 7 किलोमीटर नीचे मुनार बैंड में उसको फिर गिरफ्तार किया गया, वो ये दिखाया गया पुलिस ने वहाँ पर, जबकि जो साग जो आसपास के लोग हैं उनका कहना कि उनको जबरदस्ती गाड़ी में रख के ले गए करके। तो बैग वाला पर खाना था, चरस का बैग कहाँ से बरामद किया? वो खाना बना रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं है कि मतलब जो है ये हो रहा क्या हुआ करके। इसने अपने उनके घर से बरामद दिखाया? नहीं, 6 किलोमीटर रोड से और दिखा रखा है। दुकान किसी की? वो जो सिंह वो दुकान चलाते हैं, बच्चे उनके यहाँ बागेश्वर पढ़ते हैं। दुकान से माल बरामद हुआ? जी जी, वो खाना बनाने के लिए वो दुकान से बाहर, दुकान से बाहर से हुआ, दुकान से नहीं हुआ। खाली लिए गए हैं, पहले बैठो कहा गाड़ी में, बस हाँ वो बोल रहे की गाड़ी में बैठो तुम, आओ हमारे साथ करके। तो फिर उनको पता चला कि मुझे अरेस्ट कर दिया है अतर के मामले में, चरस के मामले में करके मुनार बैंड में पता चला उनको। जो पूरी हमारी मांग ये है कि उनको जो है इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, और वो जो बेकसूर आदमी को बाहर निकाला जाए, उसको ऐसा नहीं होने चाहिए। देखिए, सूपी से ग्रामीण जो आए थे उनका कहना है कि कोई उनके गांव के व्यक्ति हैं, उनको गलत तरीके से पुलिस के द्वारा चरस के मामले में फंसाया गया है, जबकि वो बैग किसी और व्यक्ति का था, इनका ये कहना है। तो इसमें मैंने एसपी साहब को निर्देशित कर दिया है कि इसमें जो भी जांच अधिकारी हैं उनको निर्देशित करें, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो भी व्यक्ति दोषी हो उसको सजा मिल सके और जो निर्दोष हो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अक्टूबर माह में हमने एनडीपीएस में गिरफ्तारी करी थी,
जिसमें एक व्यक्ति को चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया था सूपी गांव से। सूपी के कुछ ग्रामीण आज यहाँ हमारे पास में आए थे, उनका ये कहना था कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया है और उनको उसकी गिरफ्तारी और जो बरामदगी है उस पर संशय है। तो इस संबंध में उनको उनकी डिमांड यही थी कि इसमें ज़रा प्रॉपरली जाँच कर ली जाए कि कहीं किसी बेकसूर को तो फंसाया नहीं गया है किसी षड्यंत्र के तौर पर। तो उनकी जो जाँच है वो मैंने CO साहब को दी है और इसमें जाँच करके जो भी होगा वो सत्यता इसमें सामने आ जाएगी, किसी भी बेकसूर व्यक्ति को किसी भी मुकदमे में फंसाया नहीं जाएगा। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।